Hey everyone, this is Shubham Mishra again. So in this video we will learn how to download your PET counseling letter, means Hindi mein bolte hain to PG course kit counseling letter ko aap kaise download karenge. So chaliye shuru karte hain. Aap UHE.in BHUonline.in apne browser mein daloge to ye page open ho jayega, theek hai. Ye kya ho jayega, ye page aisa open ho jayega, theek hai. Click on counseling portal pe jaise aap click karenge, theek hai, वहाँ पे एक BHU कमेटी सेक्शन होगा, उसको छूना नहीं है आपको. स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन है, उस पे जाना है, ठीक है. पीजी स्टूडेंट लॉगिन करना है, यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन में साइन इन करना है, वही यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, ठीक है, जो आपने वहाँ पे फॉर्म भरते समय दिया था, ठीक है, वही रहेगा, ठीक है. ये मेरा जी मेरा शुभम है, मेरा ये है, तो मैंने यहाँ पे कट डाला है, ठीक है. तो अब यहाँ पे तीन ऑप्शन खुल गया, रूल्स एंड प्रोसीजर. अब रूल्स एंड प्रोसीजर पढ़ लेना. कॉल लेटर यहाँ पे है, प्रेफरेंस एंट्री. जैसे मेरा एक काउंसलिंग लेटर के लिए कॉल आई है, जैसे लाइब्रेरी साइंस के लिए मेरा कॉल लेटर आ चुका है, ठीक है. तो यहाँ से आप गो करोगे, ठीक है, गो करोगे सीधा सीधा, ये आपका कॉल लेटर यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है. अब मुझे 15 तारीख को बुलाया गया है, तो इसी तरह आपका भी होगा, ठीक है. डियर एप्लीकेंट फलाना ढिकाना सब इसमें लिखा रहेगा, ठीक है. आई होप कि मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ आप लोगों को किस तरह से आपको काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना है. आपको ये जो फ्रंट पेज है ना, जिसपे आपका डिटेल्स है, जिस पे जैसे पूछता है शुभम मिश्रा है लिखा है, तो ये पहला पेज ही आपको प्रिंट करना है, ठीक है. प्रिंट करके ले जाना है, फालतू का पैसा नहीं खर्च करना है, ठीक है. पेपर बचाइए, ठीक है. तो सेम प्रोसेस उसमें भी है, किस में कह सकते हो, UET वाले में भी है. UET वालों का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है. और कई लोगों को क्लियर प्रॉब्लम हो रही है कि उनका परसेंटेज फॉर्म थोड़ा मिस्टेक हो गया है उसमें, तो डैशबोर्ड में जाना है आपको. डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री में, ठीक है, प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म है या जिसे लाइब्रेरी साइंस है, यहाँ पे गो करोगे आप सीधा सीधा, तो गो करोगे यहाँ पे मार्कशीट 10th को की अटैच करनी है और 12th की और सॉरी ग्रेजुएशन की अटैच करनी है, ठीक है. उसको फ़ोटो खींच के या फिर स्कैन करवा के आप वहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए, ओके. फिर जैसे जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपका फाइनल हो जाएगा, आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा. और अगर आपके क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैं उसको पूरी तरह सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके. सो सारे लोगों की काउंसलिंग लेटर धीरे धीरे आनी शुरू हो गई, जैसे मेरा लाइब्रेरी साइंस का आना शुरू आ गया है, उसी तरह दो से तीन दिनों में मास में MSW का भी आ जाएगा, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का आ जाएगा, मॉसकॉम का आ जाएगा, लगभग बस सबके आ जाएंगे, ठीक है. और आई होप कि सबकी वही पीजी काउंसलिंग वही 15 के आसपास होगी, 10 के बाद ही मान लो, ठीक है, 10 के बाद ही होगी काउंसलिंग, ठीक है. तो 10 के बाद और 25 जुलाई तक हो जानी चाहिए. और आपको काउंसलिंग के बाद जिस दिन काउंसलिंग हो गई उसी के रात तक या सुबह तक आपको सीट अलाट हो जाएगी, और जब सीट अलाट होगी उसको उसके बाद से लेके 24 घंटे तक आपको टाइम मिलेगा, ठीक है. टाइम मिलेगा आपको फीस जमा करने की, ऑनलाइन पेमेंट करने की. अगर आपको पेड सीट अलाट हुआ होगा तो आपको वो एक्स्ट्रा फीस ऐड करके, यानी अगर 10,000 रुपये अगर UET में हो आप तो 10,000 रुपये प्लस यूनिवर्सिटी फ़ी ऐड करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. ये 10,000 पर ईयर लगता है, ठीक है, पर ईयर 3 सालों के लिए लगेगा UG में, और PG में 20,000 रुपये लगता है. तो 20,000 रुपये फर्स्ट ईयर, 20,000 रुपये सेकेंड ईयर लगेगा, ठीक है. आई होप कि मैं इन सब चीज़ों में क्लियर हूँ. और कई लोगों के क्वेरीज थी कि मैंने वहाँ पे अपने UET में परसेंटेज मार्क में अपना इंडेक्स का परसेंटेज भर दिया है, जबकि वहाँ पे 12th का परसेंटेज आपको भरना है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क का परसेंटेज भरना है. तो आप इसमें क्लियर रहिए, अगर आपने गलती भी कर दिया है तो वो काउंसलर सही कर देगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है. सो थोड़ी बात कर लेते हैं फी पेमेंट की. अगर आपको सपोज अगर आपकी काउंसलिंग 4 तारीख को है, तो आपको 4 तारीख को शाम तक या फिर 5 को सुबह तक आपकी काउंसलिंग की रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है. काउंसलिंग का रिजल्ट आते ही आपको 24 से लेकर 48 घंटों तक का टाइम मिलेगा. वैसे मोस्टली 24 घंटे ही मिलते हैं, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 24 घंटा ही मिलता. अगर आपको 24 घंटे का टाइम मिलता है, 24 घंटे मान के चलो तो टाइम मिलता है, तो आपको फी जो पेमेंट करना होगा वो ATM कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, अगर आपके पास इन सब की सुविधा नहीं है, ठीक है. आप कैश लेके आ सकते हो, ठीक है, कैश लेके आके BHU के कैंपस में, वहाँ पे ICICI बैंक का पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे फीस पेमेंट के सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप कैश जमा करके, अगर आपके पास ATM है, अगर ATM है तो वहाँ पे वापस स्वाइप करके भी आप वहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है. तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फीस जमा करने में, एकदम जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. अगर आपको कोई इश्यूज हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है. सो आई होप कि मैं फीस पेमेंट के बारे में क्लियर हूँ, ठीक है. सो
सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो कृपया कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। और आप किस वीडियो की किस पॉइंट में मुझे वीडियो बनाना मुझे सजेस्ट करना चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और अगर आपकी कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी कमेंट्स हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्लीज़ आपसे निवेदन है, नंबर की डिमांड मत करिए, क्योंकि मैं नंबर नहीं दे सकता ना सबको, मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं दे सकता सबको, ठीक है। और मैं व्हाट्सअप भी बहुत कम यूज करता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, ठीक है, सॉरी। लेकिन आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, शुभम मिश्रा सर्च करके मेरी फ़ोटोज़ लगी होंगी, ठीक है, आप मुझे फॉलो करें ना। वहाँ पे मेरे बायो में लिखा होगा कि मैं अनकेडमी पे पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को जो रेड बटन दिख रही है ना सब्सक्राइब वाली, उस पर कुछ भी फेंक के मारो यार, बस सब्सक्राइब करो, चप्पल फेंक के मारो, मोबाइल फेंक के मारो, अगर खाना पका रहे हो तो धरिया कल्चर कुछ भी फेंक के मारो, बस यार सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, समझ रहे हो ना। अभी सिर्फ 171 पहुँचा है, मतलब इसको मेरे को ले जाना है कम से कम इस महीने तो कम से कम 2000 ले ही जाना है। तो कुछ भी फेंक के मारो, बस वो लाल बटन दबना चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं शुभम मिश्रा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, बाय बाय, कीप लर्निंग।